आज हम आपको दिखाएंगे कि इंडक्शन हीटर में E7 क्या होता है। ये हमारा एक इंडक्शन हीटर आया हुआ है बनने के लिए। ये लोकल कंपनी है, सनफ्लेम का है। तो इसे हम आज रिपेयर करके दिखाएंगे कि E7 में क्या समस्याएं होती हैं। तो देखिए, हमने इसको ऑन कर लिया है, ऑन पोजीशन में आ गया है, और इसको ऑन करते हैं तो E7 लिख रहा है। जनरली जो है, ऑन करते ही E8 लिखता है, लेकिन ये E7 लिख रहा है। E7 का मतलब क्या होता है ये आपको समझाएंगे। जनरली आपको वीडियो मिलेंगे, E7 का मतलब है कि सेंसर में खराबी होगी, लेकिन हम जो है इसे पूरे तरह से रिपेयर करके आपको दिखाते हैं कि E7 से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, सेंसर की वजह से है या कुछ और है। तो चलिए इसे फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो हमने साइड साइड के नट बोल्ट खोल दिए हैं और बीच का हमने अभी पैक कर रखा है, इसको हम खोल लेते हैं। तो इंडक्शन कुकटॉप जो है रिपेयर करना, अगर आपके पास इंडक्शन कुकटॉप है तो उसे घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सारी सावधानियां आपको सावधानी से हमारा वीडियो ये पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहिए तो आप जो है E7 के बारे में समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए, जो है इसको ओपन कर लेते हैं। सारे नट आप जो है यानी स्क्रू पूरे अच्छी तरह से खोल लीजिएगा। कि ये जिसका है इंडक्शन कुकटॉप, उन्होंने बताया था कि ये इसको आप बनाते समय जो है धुआं भी आ गया था इसमें से। तो देखिए, ये जो है जला हुआ भी दिख रहा है। ये हमने ओपन कर लिया और इधर से ये साइड में जो है देखिए, इधर आपको ये सब कार्बन जमा हुआ मिल जाएगा, यानी जला हुआ है, ये पूरी तरह से जल गया है, यानी बहुत ज़्यादा हीटिंग हुई है इसमें। तो हीटिंग होने का मतलब भी जो है E7 से ही होता है, ठीक है, यानी सेंसर हमारा अच्छी तरह से काम नहीं किया होगा तो इसकी वजह से भी जो है हमारा ये हीटिंग हो सकती है। देखिए, ये हमारा जो सीटी यानी जो ये कॉयल होती है, ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर की तरह होता है, तो इसे हम सीटी कॉयल भी बोलते हैं। तो ये देखिए, डैमेज लगभग हो चुकी है। अगर इसमें जो आपको कॉयल की तरह दिख रहा होगा, ये एक दूसरे से अलग अलग होती है इसमें, लेकिन अगर एक दूसरे में चिपक गई होंगी तो भी समस्या हो जाएगी, यानी ये सीटी कॉयल भी ख़राब हो सकती है। तो पहले हम सेंसर को चेक कर लेते हैं कि सेंसर में कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। इसके लिए मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे इसे, और चेक करने का तरीका क्या होता है, मल्टीमीटर को हम जो है मेगा रेजिस्टेंस में रखेंगे या जो है किलो रेजिस्टेंस। किलो जो है 200 KV, 200 K ओम पे यानी किलो ओम पे आप रखिए इसे। अगर 200 किलो ओम नहीं है तो आप मेगा ओम पे भी रख सकते हैं। ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको, कैमरे को सही कर लेते हैं कि अब दिख रहा है अच्छे से। हमने इसको जो है हमारे मल्टीमीटर में 200 K सेटिंग है, तो 200 K पे हमने कर लिया है। आपके में नहीं है तो उसको मेगा पे भी कर सकते हैं आप। तो इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे, ये कंटिन्यूटी तो दिखा रहा है ये, यानी हमारा जो है सेंसर ओपन तो नहीं हुआ है। सेंसर ओपन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये सेंसर सही होगा। कभी कभी सेंसर भी ओपन हो जाते हैं तो इसकी कंटिन्यूटी नहीं बताती है। देखिए, नीचे भी जला हुआ है, ऊपर भी जल गया है। और तो हम जो है नीचे से भी जो है ये ब्रेक हो चुका है, और ये साइड की कॉयलें जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं और चिपक चुकी हैं सब। तो मेरे पास एक दूसरी सीटी कॉयल है, उसको लगा करके एक बार देखेंगे क्या ये सही हो जाता है या नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि हमारा सेंसर को ही हम अगर चेंज करें तो E7 का फॉल्ट हमारा हट जाएगा। तो कभी कभी जो है सीटी कॉयल अगर सही तरीके से काम नहीं करेगी तो सेंसर को सप्लाई नहीं जाएगी तो E7 आता है। ऐसे जो है सेंसर, बिना सेंसर के भी हमारा जो है ये इंडक्शन कुकटॉप जो है काम करता है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो अब जो बनाएंगे उसमें आपको दिखा देंगे। देखिए, ये हमारी सीटी कॉइल जो है काफ़ी बुरी तरह से जल चुकी है, कि इधर भी जली हुई है, और ये जलने का मेन सेंसर से ही समस्या होती है। यानी जलेगी ये सीटी कॉइल तभी जलती है जब हमारा सेंसर सही तरीके से वर्क नहीं करता है, या सीटी कॉइल जो है एक दूसरे के ऊपर अगर चिपक चुकी है तो भी समस्या हो जाती है। यानी ये ट्रांसफार्मर है एक तरह से, सीटी कॉइल जो है करंट ट्रांसफार्मर होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है
और आप जो बर्तन उसके ऊपर रखते हो वो आपका सेकेंडरी बाइंडिंग का काम करता है, यानी ये एक तरह से जो भट्टियों में फर्नेस इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है सेम इसी सिस्टम पे काम करती है। तो देखिए हमारे पास ये एक इंडक्शन दूसरा है, उसकी हम जो है सिटी कॉइल को खोल लेते हैं और इसको लगाएंगे उसमें। तो इसको हम जो है यहाँ से खोल लेते हैं। ये इंडक्शन कुकटॉप में जो है किसी की भी सिटी कॉइल किसी में भी लग सकती है, अगर लगभग जो है सेम वाटेज की होती हैं, 1800 वाट 2000 वाट इसकी जो है रेडियस सेम होता है, तो हम किसी का भी लगा सकते हैं। तो इसको हम निकाल के, यानी मेरे पास दूसरा एक रिपेयर करने के लिए आया हुआ था तो उसको लगा के हम देख लेते हैं, यानी हमें समस्या पता चल जाए तभी हम दूसरा जो है नेक्स्ट जो है इसमें लगाने के लिए सामान ऑर्डर कर सकते हैं, यानी समस्या पता चले तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो है हम इसकी सिटी कॉइल को निकाल करके इसमें लगाएंगे और फिर टेस्ट करेंगे क्या हमारी कॉइल की वजह से ही समस्या है या कुछ और है। तो स्क्रू देखते हैं, इसका स्क्रू बड़ा दिख रहा है लेकिन निकाल कर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर इसमें कनेक्शन ढीला नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, और लूज कनेक्शन तो एकदम भी नहीं होना चाहिए। आप अगर रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छे तरह से इसे टाइट करिएगा। रिपेयरिंग में जो है इसकी सीटी कनेक्शन जो है ढीला नहीं होना चाहिए, यहीं बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है। इसे सेंसर हम लगा लेते हैं। ये सेंसर हमारा काम कैसे करता है, ये सेंसर जो है जैसे हमारी बर्तन को सेंस नहीं करता है, ये ऐसा नहीं कि कोई अगर आपको YouTube पे बताता है कि ये सेंसर हमारा बर्तन को सेंस करके कप पकड़ता है तो ये बिल्कुल गलत है। ये हीटिंग सेंसर होता है, यानी ये जब ओवर हीट हो जाएगी आपका, ओवर हीट हो जाएगा तो ही ये काम करेगा और सप्लाई को कट कर देगा, यानी इंडक्शन आपका कट हो जाएगा। ये सेंसर बर्तन को सेंस नहीं करता है, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि ये सेंसर जो है बर्तन को सेंस नहीं करता है, ये सेंस हीट को करता है, यानी ज़्यादा हीट जब हो जाती है तो ये सेंसर जो है ओपन हो जाता है, ये सेंसर ओपन नहीं क्लोज हो जाता है एक तरह से, बहुत ज़्यादा इसमें जब हीटिंग होना शुरू हो जाती है तो ये क्लोज होकर के और सर्किट को पूरा कर देता है और सप्लाई को बंद कर देता है। तो आप जो है सेंसर को निकाल के भी जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे कि सेंसर की ज़रूरत जो है बर्तन को सेंस करने के लिए नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे बिना सेंसर के जो है आपको बर्तन सेंस नहीं करता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसके लिए भी हम आपको जो है वीडियो बना करके दिखा देंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा जो देख लीजिएगा वो बिना सेंसर के हम जो आपको चालू करके दिखाएंगे। तो हमारी सिटी कॉइल, हमने नई सिटी कॉइल यानी दूसरे कुकटॉप से हमने निकाल करके इसमें लगा लिया और इसे जो है अब हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। ये कम्प्लीट हो गया, चलिए ऊपर की हम प्लेट लगा लेते हैं इसमें। इसे रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिसके लिए हम दुकान पर भागते हैं। तो आप जो है ये वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारी समस्याएं जो है खुद हल कर सकते हैं। चलिए लगा लेते हैं, और पेच नहीं लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा, पहले आपको टेस्ट करके हम दिखा लेते हैं, ठीक है। ये फिट हो गया, चलिए इसको बिना स्क्रू लगाए हम आपको टेस्ट करके देखते हैं कि ये हमारा सही हुआ या नहीं हुआ। चलिए हम इसे बोर्ड को सप्लाई में लगाते हैं प्लग को और देखते हैं। देखिए हम इसको ऑन करने जा रहे हैं, पावर सप्लाई हम जो है ऑन करने जा रहे हैं, और देखिए पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है और हमारा माइनस माइनस करके आ गया। देखिए अब जो हमारा बना E8 ये होना चाहिए, यानी इंडक्शन जब हम ऑन करते हैं बिना बर्तन के तो E8 आना चाहिए। अब देखिए हमारा जैसे बर्तन हमने रखा 1800 पे आ गया, यानी इस इंडक्शन हीटर बोलिए, इंडक्शन कुकटॉप बोलिए या सिटी इंडक्शन बोलिए जो भी आप, तो इसका जो है नॉर्मल सेटिंग जो है 1800 स्टार्ट होती है, तो 1800 इसने दे दिया शुरू कर दिया कि हमने 2000 कर दिया, ये 2000 का ही इंडक्शन है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 2000 से कम हो सकता है। देखिए 1200 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। इसमें पावर वोल्टेज को भी कम कर सकते हैं, 220 वोल्ट है उसको कम कर देंगे,
देखिए 180 इस तरह से। तो सारी फंक्शन जो है इसका काम करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए हल्की हल्की भाप निकलना शुरू हो गया है, यानी हमारा इंडक्शन जो है बनके तैयार हो गया है। अब हम चाहे तो ये जो हमारी सिटी कॉयल है इसी को लगा करके हम पैक कर दें, या जो है दूसरा नेक्स्ट सिटी कॉयल आर्डर करके और उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा ये इंडक्शन कुकटॉप बनके रेडी हो चुका है। ठीक है, बहुत ही आसान था। तो ये आपके समझ में क्या आया कि E7 से मतलब ये नहीं कि सेंसर ही हमारा ख़राब है, सिटी कॉयल भी ख़राब हो सकती है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बिना सेंसर के भी हमारा जो है इंडक्शन कुकटॉप काम करेगा। देखिए पूरी तरह से भाप निकलना शुरू हो गया। धन्यवाद।